नमस्कार, मैं हूं सुरेश चव्हाण की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर आसाराम बापू को एक साल होने के बावजूद भी जमानत क्यों नहीं मिली। इस देश में पिछले एक साल में कितने ऐसी घटना है जिस पर लोगों को आरोप हुए, वो जेल में गए और उसके बाद बाहर आए, उसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला है 2G वाला, उसका प्रमुख आरोपी से लेके बाकी सारे आरोपी भी जेल के बाहर है। चुनाव भी उसमें से कुछ लोग लड़ चुके हैं और 70,000 करोड़ रुपए का आरोप जिनके ऊपर है या जो घोटाला कॉमनवेल्थ का है उसके भी लोग बाहर है। तमाम प्रकार के आरोप जिनके ऊपर लगे और तहलका का संपादक तरुण तेजपाल भी बाहर है, लेकिन आसाराम बापू अभी भी अंदर है। एक साल हो गया है, एक साल में उन जिस लड़की ने आरोप लगाए उनके मां बाप की तक अभी तक गवाही नहीं हुई है। सुनवाई इतनी धीरे चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको कहा जाता है वो अगर इस स्थिति में है, इतने स्लो है, तो इस विषय का न्याय कब तक मिलेगा। जानकार कानूनी विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि जिस सजा को, अगर सजा भी साबित होती है, गुनाह भी साबित होता है, तो सजा केवल 3 साल हो सकती है। ऐसे आरोप में किसी को 1 साल तक बगैर बेल के आप कैसे रख सकते हैं। कई मुद्दे हैं, लोगों ने इसको लेकर जन आक्रोश के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी है और नारी शक्ति के लोगों ने आज दिल्ली में 20,000 से ज्यादा लोगों का बड़ा मार्च भी किया है। ऐसे में हमको लगा कि 1 साल बाद इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि जो विश्लेषण अन्य मीडिया करेगा उसमें सच विश्लेषण हो, इसलिए आज का बिंदास हमने आपके सामने रखा है। बापू के विषय पर आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हमेशा की तरह कॉल करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके और फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया देके आप अपने अभिव्यक्ति हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी सारी अभिव्यक्ति को विदाउट एडिट लाइव बिंदास से लोगों तक दिखाएंगे। आइए, आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। संत आसाराम बापू को जेल में 1 साल पूरा, 1 साल बाद भी नहीं मिल पाई बेल, बीमारी के इलाज के लिए भी जमानत नहीं मिली, पत्रकार तरुण तेजपाल पर रेप का आरोप लगा, जमानत मिल गई, कई और बड़े बड़े आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन आसाराम बापू को जमानत क्यों नहीं। जेल में बापू की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती गई, जेल के बाहर बापू के भक्तों का विलाप कर बुरा हाल, दिल्ली में बापू के समर्थन में सड़क पर उतरे हजारों भक्त, का एक सैलाब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज दिखा। भारी बारिश के बीच बापू को जमानत न मिलने के विरोध में उनके समर्थकों ने राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। बारिश के कारण शुरू में भक्तों की भीड़ कुछ कम दिखी, लेकिन दोपहर तक हजारों समर्थक उमड़ पड़े। गिरफ्तारी के 1 साल बाद भी बापू को जमानत न मिलने से उनके भक्त खासे नाराज और उदास दिखे। पति 35 साल से और 25 साल से तो गुरु किया हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो बापू ऐसा छोड़ा है हमारा, ऐसा नहीं है हमारा बापू। ये विरोध मार्च राजघाट से शुरू होकर संसद भवन तक जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे रोक दिया। इसको लेकर बापू के भक्त खासे नाराज दिखे। बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आगे बैठक कर विरोध जताया। पुलिस के समझाने के बाद सभी समर्थक साधु संतों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और बापू की याद में सत्संग किया। हमारी मांगे ये है, हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनका कोई भी कसूर नहीं। आसाराम बापू को 31 अगस्त 2013 को इंदौर के खंडवा रोड स्थित आश्रम से जोधपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को आज 1 साल पूरा हो गया है। उस समय जोधपुर पुलिस के पास एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक वे पूछताछ के लिए पूरी तरह फिट हैं। आश्रम में करीब 8 घंटे तक इंतजार करने के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को रात करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। एक सफेद जीप में उनको लेकर पुलिस रवाना हो गई। बापू की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच 1 साल में उनके समर्थकों ने बापू के समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन किया। बापू भक्तों ने हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में बापू के समर्थन में मुहिम चलाई।
उनका लगातार कहना है कि साजिश रचने वालों के हाथ इतने लंबे निकले कि उन्होंने बापू को जमानत मिलने में जगह जगह रोड़े अटकाए। हम पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, दिल्ली से किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। पूरे साल से हम चुप बैठे हैं ना, अभी हमारा गुस्सा बाहर निकलेगा, ये हमारा कहना है। चुपचाप अभी हमें थोड़े दिनों में टाइम दें, हमारे बापू जी को छोड़ दें। उनका संदेशा था तो हम आज दिन तक चुप बैठे थे। आसाराम बापू के भक्तों को सबसे ज्यादा नाराजगी उनके मीडिया ट्रायल को लेकर है। उनका कहना है कि कई मीडिया संस्थानों ने लगातार बापू के विरोध में मुहिम चलाई, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, उससे बापू के खिलाफ माहौल खराब करने की साजिश रची गई। सब झूठे आरोप लगाए गए, सब कुछ सिद्ध हो चुका है कि सब कुछ गलत है, फिर भी बापू जी को छोड़ा नहीं जा रहा है। उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? अगर उनको नहीं छोड़ा जाएगा तो हम इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। बापू के आरोपों का फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन इस मामले में सारी कानूनी पूछताछ और जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी बापू को जमानत न मिलना हैरान जरूर करता है। इस देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपियों ए राजा, कनीमोजी, शाहिद बलवा जैसे लोगों को जमानत मिल चुकी है। 80,000 करोड़ रुपए के आरोपी पूर्व मंत्री सुरेश कलमारी जमानत पर बाहर है। चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव सजा पाने के बावजूद शान से राजनीति कर रहे हैं। आईपीएल में घोटाले का आरोपी ललित मोदी लंदन में शान की जिंदगी गुजार रहा है। आदर्श घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम बुखारी के खिलाफ दर्जनों केस हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर सके। रेप के मामले में आरोपी तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को भी जमानत मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाज सुधार के लिए सैकड़ों काम करने वाले आसाराम बापू को बेल कब मिलेगी? सुदर्शन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा यह मुद्दा है, और जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये दिल्ली के सबसे ज्यादा बारिश जिस दिन थी, आज दिल्ली में साल की सबसे ज्यादा बारिश थी, उसी समय में महिलाओं ने उस बारिश में पूरे भीगते हुए अपने आप को कम नहीं होने दिया और अपने गुरु के न्याय की लड़ाई के लिए नारी शक्ति के नाम से नारा लगाया। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट में जब ये बात साबित हो गई है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर बेल मिलनी चाहिए। जोधपुर पुलिस ने भी गलत तरीके से सेक्शन 506, 342 और 370 लगाया है, तो इससे जोधपुर पुलिस भी षड्यंत्र में शामिल है, इस पर शक होता है। तो या तो जोधपुर पुलिस अंधी बहरी हो गई है या तो अंधे बहरे होने का नाटक कर रही है। पॉक्सो कानून जब से लगा है तब से कई झूठे केसेस सामने आए हैं, तो ये कानून में भी तब्दीली होनी चाहिए। एक निर्दोष संत को न्याय का गलत कानून का गलत इस्तेमाल करके फंसाया जा रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब तो बापू जी को बेल मिलनी ही चाहिए, वरना लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर से विश्वास ही उठ जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसी चीजें होती रही। वैसे तो यह देखा गया है कि इस कानून का मिसयूज हुआ है। नारी शक्ति की प्राथमिकता हिंदुस्तान के लिए हमेशा पहला मुद्दा रहा है, लेकिन जो कानून बनाया गया उस कानून से होने वाले ज्यादातर केसेस फर्जी निकल रहे हैं, और खास करके 75 साल जिनकी उम्र हो गई है उनके ऊपर ऐसा आरोप, जिस आरोप की एक साल में एक पुष्टि भी नहीं हो पाई, तो आप फिर भी उनको जेल में क्यों रख रहे, ये सवाल सबसे बड़ा। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हरिओम सुरेश जी, अवधूत कुमार बेंगलोर से। हाँ, यूपीए 2 के अंतिम चरण में किया हुआ यह कार्यक्रम है। बापू आसाराम जी का अपराध केवल यह है कि उन्होंने धर्मांतरण कुछ हद तक रोक दिया, वैसे ही जैसे कांची शंकराचार्य ने। हम सभी असहाय हैं उन कानूनों से जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हमारे संत जैसे भी हो उनको प्रताड़ित करने का कोई भी मौका बिका हुआ मीडिया नहीं छोड़ता है। कॉरपोरेट सेक्टर उन्हें विज्ञापन देकर बढ़ोतरी देता है। निराश न हो, हताश न हो, सुदर्शन हमारे साथ में है। दोपहर से मैं सुदर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि बहस में एक भगिनी ने कुछ मीडिया के नाम उद्धृत किए हैं, उनका बैंड बजने की अब बारी है। और उसी समय 6:30 बजे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिए। शीघ्र काव्य हृदय से सुनिए।
सावधान मीडिया सावधान, खरण करने वाला है भारत। दश लक्षण है हम में धर्म के, कर्मकांड का उड़ाकर मजाक, जी नहीं पाओगे विदेशी विदेशी विचार से, पृथु राजा की राज्य धरा है वह कर्मलोक, बचा सर्व भोग लोक, मेरी आस्था मेरे साधु संत। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, लाखों लोग आज अपनी बात को रखना चाहते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर कॉल, कुछ लोगों ने तो 7:30 बजे से ही कॉल होल्ड करके रखे हैं कि हमें किसी भी तरीके से बात करनी। हम कहेंगे कि 8 बजे के बाद ही कॉल करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, हमें आपसे बड़ा साधुवाद है कि कोई तो एक ऐसा चैनल है जो हमारा साथ दे रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, और हम चाहेंगे कि आप किसी कानून विशेषज्ञ को सामने लाएं अपने साथ, जो बिना किसी पार्शलिटी के जांच करे। बिल्कुल, हम ये भी करेंगे। 1 साल हुआ है तो हम कल इस पर एक ऐसा विशेष कार्यक्रम करेंगे जिसमें कानून के भी लोग रहेंगे, और हम कहेंगे कि आसाराम बापू जी को विरोध करने वाले भी जो लोग हैं वो भी आए, दोनों पक्ष सामने बैठकर, क्योंकि 1 साल हुआ है, छोटा नहीं है, 365 दिन है और एक दिन के 24 घंटे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश को, समाज को, धर्म को दिया, उनके 365 दिन ना केवल अपने खराब किए हैं बल्कि उनके करोड़ों भक्तों को उनसे दूर रखने का भी महापाप किया है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हरिओम, हरिओम बोलिए। हाँ सुरेश जी, हरिओम बोलिए। हम नासिक से बोल रहे हैं, जिंदर पाटिल। हम ये चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी है वो भी अभी कांग्रेस के रास्ते पे जा रही है और हमारे संतों के ऊपर अत्याचार करना चाह रहे हैं, तो हम इनको अभी जवाब विधानसभा में देंगे। हम हमारे कुछ मेंबर खड़े कर रहे हैं, 17-18-20 मेंबर खड़े कर रहे हैं हम, और वो उसके जरिए इनको जवाब देंगे हम, क्योंकि ये हमारी बात अभी सामने मान नहीं रहे। तो हम चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी हेलो। हाँ क्या कहना है आपको? हेलो, मैं जलपा मित्रा बोल रही हूँ बॉस्टन अमेरिका से। हाँ। और हम लोग को दिक्कत ये आ रही है कि जब फरवरी में पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट मिले कि लड़की बालिक है, और फिर भी अभी अगस्त हो गया है, अभी तक उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए नहीं, कोर्ट भी सख्ती से पुलिस वालों से ले नहीं रही, ऐसा क्या दबाव है पुलिस पे कि वो दे ही नहीं पा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट कि बापूजी बाहर ना आए? पॉस्को अभी तक हट क्यों नहीं रहा है? क्या बापूजी के लिए पॉस्को बनाया गया है? ये बताइए क्यों नहीं हमारा इंसाफ हो रहा है? भारत में रहने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है भारत के संतों में। धन्यवाद। ये जो भगिनी ने यहाँ पर मुद्दा उठाया है, शायद दर्शकों को पता नहीं होगा इसलिए मैं अपडेट करूं, क्योंकि आसाराम बापू से जुड़े हुए न्याय वाले जो पक्ष है वो मीडिया में आते ही नहीं। जिस लड़की ने आरोप लगाया, ये कहा गया कि वो नाबालिग है, उसकी उम्र पूरी 18 साल नहीं हो चुकी है, लेकिन जब ऐसे डॉक्यूमेंट फरवरी में ही सामने आ गए जिसमें इंश्योरेंस के पेपर हो, जिसमें पहले में स्कूल का दाखिला हो, या उसने अब तक जिस कक्षा में वो पहुंची है, यहां तक आने के लिए जितना एज चाहिए उसको देखते हुए वो बालिग है, ऐसा आसाराम बापू जी के वकीलों का कहना, या वो डॉक्यूमेंट कहते हैं, उन डॉक्यूमेंट पर राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए जो समय दिया गया, तो फरवरी से लेकर अगस्त तक अभी तक किसी भी सरकार ने, जहां एफआईआर हुआ वहां या जहां पर कार्रवाई चल रही है उस राजस्थान में भी, इस विषय पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्यों? अगर यह साबित होता है कि उसकी उम्र क्या है, तो उनके ऊपर लगा हुआ जो कानून है जिसमें बेल का प्रावधान नहीं ऐसा कहा जाता है, वो कानून ही अब हट सकता है और उससे बहुत बड़ी राहत उनको मिल सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं कमलेश माधवा दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ, मुझे आपको इसमें बताना है कि जो इंसिडेंट है 15 अगस्त की रात 10:30 से 12 बजे कुछ बताई गई है, जबकि 15 अगस्त की रात 11 बजे से लेके 12:30 तक लड़की जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग करती है उस नंबर से कई कॉल हुए होंगे और चार्जशीट में कॉल हुए हैं, और चार्जशीट में भी जो 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक की कॉल डिटेल है वो है ही नहीं चार्जशीट में, और हमने उसको मांगा और वो उपलब्ध नहीं कराया गया, हमें दिया नहीं गया, और उसी के रिलेटेड में फॉर्म हाउस का मालिक है, उसका बयान भी 15 अगस्त की रात जो हुआ है कोर्ट में जो बयान हुआ, जो सरकारी गवाह है फॉर्म हाउस का मालिक, जो सरकारी गवाह है, उसने भी कोर्ट में ये बयान दिया है कि 15 अगस्त की रात को तो बापूजी हमारे यहाँ पे थे एक प्रोग्राम में,
साढ़े दस से लेके साढ़े ग्यारह बजे तक प्रोग्राम चला और उसे बापूजी भी मौजूद थे और शाहपुर जो लड़की है उसका परिवार भी मौजूद था। और इसमें जो घटना मुझे बताई गई, घटना का समय है साढ़े दस से लेके बारह बजे बताया जाता है, लेकिन बापूजी तो साढ़े ग्यारह बजे कुटिया में थे ही नहीं। और बापूजी ये वो सारे तथ्य है जो है तो न्यायिक, उस पे ऊपर न्यायिक बहस भी होनी चाहिए, लेकिन जो हम बिंदास में विषय लेकर आए हैं हम कहते हैं कि विभिन्न तर्कों के साथ दोनों पक्ष अपनी बात रखे। अगर कोई आसाराम बापू के खिलाफ अपना तर्क रखना चाहते हैं तो हम उनको भी मौका देंगे, क्योंकि न्याय की बात है। हम किसी के ऊपर अन्याय होने की बात खास करके तब नहीं कर सकते जिन्होंने 75 साल अपने आयुष्य के, जीवन के, समाज के लिए लगाए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर न्याय की 100% बात होनी चाहिए। अगले कॉल। जय हिंद। हरिओम सुरेश जी, बोलिए। हरिओम, क्या कहना है आपको? हरिओम, हरिओम सुरेश जी भाई, केवल हरिओम ही करते रहेंगे तो कोई और दुष्ट नया आरोप लगा के जाएगा। हरिओम सुरेश जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉल करने वाले को हम कहेंगे कि जैसे आप कनेक्ट होते हैं तुरंत बात करें, अपने आप को टीवी पर देखने के मोह में ना रहे। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं बोलूं? बोलिए। मैं बोलूं ना? हाँ। जय हिंद। हाँ, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। पवन शर्मा नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ, एक हिंदू राष्ट्र में अगर एक हिंदू संत सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ होंगे? आखिर में हिंदू संतों को कहाँ जाना होगा? पहले दूसरी जितनी भी पार्टियां आई थी उन्होंने एक राजनीतिक लाभ के लिए एक संत को जेल में डाल दिया गया और आज उनको जमानत तक नहीं मिल रही, स्वास्थ्य के आधार पर भी नहीं मिल रही। अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू संत को सताया जा रहा है तो फिर उनको न्याय कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। इसमें बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए सुनवाई का भी क्या तरीका होना चाहिए? न्याय व्यवस्था की अभी धज्जियां उड़ रही है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अगर मेडिकल की जांच करवाने के लिए समय कितना दिया जाए? जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अपील की गई है कोर्ट में तो कोर्ट ने कितना टाइम लेना चाहिए? एक तो डेट पे डेट पड़ रही है, उसके बाद आपको पैनल का ही रिपोर्ट चाहिए था तो जब एप्लीकेशन किया गया तब कोर्ट ने क्यों नहीं कहा, और फिर उसके बाद कोर्ट ने एक महीने की तिथि उसको आगे बढ़ा दी। इसका मतलब अगर किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और आपकी कोर्ट की प्रोसीजर ढीले चल रही है तो वो व्यक्ति तो उसमें मर जाएगा। ऐसी क्या स्थिति है कोर्ट की जो कि अभी भी अंग्रेजों के जमाने में चल रही है? कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने का संकेत मीडिया में नहीं है, लेकिन जब बात करोड़ों लोगों के श्रद्धा की आती है या न्याय को देरी मतलब अन्याय होता है तब यह टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सुरेश चांदके जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ बोस्टन से, और मेरा एक यही प्रश्न है कि इनके पास, जोधपुर पुलिस के पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है इस लड़की की उम्र को लेकर, फिर भी वो आगे बढ़कर उस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोर्ट को क्यों नहीं सबमिट करते? ये लड़की बालिग है और इस लड़की ने जो भी बयान दिया है बापूजी के खिलाफ वो सरासर झूठ है, ये सब लोग जानते हैं। हम 200 सालों से बापूजी से जुड़े हैं और हमको पता है कि बापूजी हमारे कितने निर्दोष हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। काफी कॉलर आज बात करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर तमाम उन देशों से भी कॉल आ रहे जहां पर विपरीत समय के बाद लोग जागकर अपनी बात को कहना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद सर। जय हिंद। डॉक्टर दिनेश गौतम बोल रहा हूँ सर, साधुलपुर चूरू राजस्थान से। हाँ, मेरा विचार ये है सर कि कांग्रेस और ये जो तुष्टिकरण की नीति रखने वाले लोग है ना, ये हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं। ये न्याय व्यवस्था का एक छद्म आवरण ओढ़ कर और जितने भी हिंदुओं के जो संत हैं, हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी आलोचना, उनका विरोध और उनको किसी भी तरीके से तहस नहस करने के विचार को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें आसाराम बापू ही नहीं, बहुत सारे हिंदुत्व से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके पीछे ये जो इस टाइप की विचारधारा के लोग हैं वो पीछे पड़े हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार चौहान जी। हाँ सर, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कमल बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ, मेरे को आपसे कहना था कि अभी जो मोदी सरकार जो विजयी हुई है उसमें 25% कहीं ना कहीं बापूजी का हाथ है जिसकी वजह से वो विजयी हुई है, लेकिन आज बापूजी कुछ नहीं कर रहे, बापूजी के लिए कुछ नहीं कर रहे ये लोग, तो वो गलत है, बहुत गलत है हिंदू संतों के साथ।
चलिए धन्यवाद। केवल राजनीतिक वोट किसने कितने दिए इसके आधार पर तो न्याय नहीं हो सकता, लेकिन यह अपेक्षा जरूर उनसे करनी चाहिए जो धर्म की बात करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए कॉलर से बात नहीं हो पा रहे, हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। बापू के खिलाफ साजिश, आजाराम बापू एक धार्मिक संत हैं, पूरी दुनिया में उनके करोड़ों भक्त हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहरा रखी है, इसी कारण उनके कई विरोधी भी हैं। बापू के समर्थकों का दावा है कि उनके खिलाफ लंबे समय से साजिश रची जा रही थी, जिसमें आखिरकार विरोधी सफल हो गए। हिंदू संतों का कुप्रचार, देश में हिंदू धर्म को बदनाम की लंबे समय से चल रही है, इस साजिश के पीछे जो लोग शामिल हैं उनका रुतबा बड़े राजनेताओं तक है। आजाराम बापू हिंदू धर्म के बड़े संत हैं, इसीलिए उनको निशाना बनाकर हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में कुप्रचार किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल, आजाराम बापू के केस को लेकर जबरदस्त मीडिया ट्रायल हुए, कई चैनलों ने केस के बहाने आजाराम बापू की निजी जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सुनी सुनाई बातों पर नाटकीय अंदाज में अपमानजनक कहानियां तैयार की गई। विरोधियों की कही गई बातों को आधार बनाकर बिना किसी सबूत के बापू को समाज का विलन और रसिया जैसा साबित करने का असफल प्रयास किया गया। बापू के खिलाफ राजनीति, बापू के खिलाफ कार्रवाई के पीछे कई सियासी नेताओं का हाथ भी बताया जाता है। बापू समर्थकों का दावा है कि मुस्लिम और ईसाई धर्माचार्यों ने इसके लिए वैश्विक स्तर पर फंडिंग की और कई नेताओं को पैसे के बल पर साजिश में शामिल कराया। भक्तों का भरोसा, तमाम साजिशों के बावजूद आजाराम बापू को अच्छी तरह जानने वाले भक्तों का भरोसा नहीं टिका। उनकी नजर में बापू आज भी महागुरु का दर्जा रखते हैं। जब भी बापू बेल लेकर बाहर आएंगे वे पहले की तरह ही उनका सम्मान करेंगे। तो यह कारण है, इन कारणों के साथ अगले कॉलर के पास चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं ईशान बोल रहा था दिल्ली से। मैं आपसे एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने दिखाया शुरू में चैनल किसी शो के स्टार्ट होने से पहले कि किसी दूसरे समुदाय के बहुत बड़े धर्मगुरु के ऊपर भी बहुत से केसेस फाइल है, बट उन्हें उनको अरेस्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि दूसरे समुदाय के सभी लोग बहुत ही एकता है उन सब में, वो बहुत ही यूनाइटेड है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। दूसरे जो न्यूज चैनल है जो कि पूरे पेड़ है, वो किसी मतलब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनके हमें बहकावे में ना आके हमें यूनाइटेड होना चाहिए और संस्कृति के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता। आपने तो नाम नहीं लिया लेकिन उनका नाम ले लेते कि इमाम बुखारी के ऊपर इतने वारंट होने की बात जो चल रही है उस पर अब तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। अब तो दिल्ली में राष्ट्रपति एक तरीके से शासन है क्योंकि राज्यपाल उसको चल रहे, भले ही उसको संवैधानिक स्वरूप में मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहिए कि अब भी आखिर कार्रवाई इमाम बुखारी के ऊपर क्यों नहीं होती। बापू के इस पूरे प्रकरण में क्या सिलसिलेवार ये प्रकरण रहा, जरा देखते हैं। कथावाचक संत श्री आसाराम बापू की गिरफ्तारी को आज एक साल पूरा हो गया। एक साल बाद भी बापू को जमानत नहीं मिली है। संत श्री आसाराम बापू के साथ कब क्या हुआ हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त 2013, संत श्री आसाराम बापू के आश्रम में पढ़ने वाली शाहजहांपुर की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि बापू ने मेरा शारीरिक शोषण किया। अब तक की जांच में जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उनसे लगता है कि आरोपों में दम ही नहीं है। 21 अगस्त 2013, आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज हुई। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। 22 अगस्त 2013, आसाराम बापू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उनके जोधपुर आश्रम पर छापेमारी की। 22 अगस्त 2013 को ही भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष साध्वी उमा भारती एक नाबालिग लड़की द्वारा संत आसाराम बापू के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर गुरुवार को बापू के बचाव में उतरी।
31 अगस्त 2013 आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की के परिजन आसाराम बापू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। 31 अगस्त 2013 जोधपुर पुलिस आसाराम बापू को गिरफ्तार करने उनके इंदौर स्थित खंडवा रोड आश्रम पहुंची। जोधपुर पुलिस के पास एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक वे पूछताछ के लिए पूरी तरह फिट हैं। आश्रम में करीब 8 घंटे तक इंतजार करने के बाद जोधपुर पुलिस ने 72 वर्षीय आसाराम बापू को रात करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। एक सफेद जीप में उनको लेकर पुलिस रवाना हो गई। 2 सितंबर 2013 आसाराम बापू को जोधपुर कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद जोधपुर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। 4 सितंबर 2013 आसाराम बापू की जमानत याचिका पर जोधपुर की सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 सितंबर 2013 आसाराम बापू की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 6 सितंबर 2013 आसाराम बापू ने जोधपुर की जेल में अपने इलाज के लिए एक महिला वैद्य की मांग की। 7 सितंबर 2013 आसाराम बापू को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया। 11 सितंबर 2013 पीड़ित लड़की के पिता ने मामले में आसाराम बापू का नार्को परीक्षण कराने की मांग की। 13 सितंबर आसाराम बापू के आश्रमों पर सरकार का हथौड़ा पड़ना शुरू हो गया। नासिक में गंगापुर रोड पर बने आसाराम बापू के एक आश्रम के अवैध हिस्से को नासिक महानगर पालिका ने हटा दिया। महानगर पालिका के कर्मचारी जब आश्रम पहुंचे तो आसाराम बापू के भक्तों ने जोरदार विरोध किया। वहीं राजस्थान के भिलवाड़ा शहर के पास हरनी खुर्द गांव में आसाराम बापू के आश्रम को गैर कानूनी बताकर गिरा दिया गया। 16 सितंबर 2013 संत आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत को फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर 2013 आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई। न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी गई। 11 अक्टूबर 2013 आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई। 20 अक्टूबर 2013 आसाराम बापू के खिलाफ सूरत की महिला द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में अहमदाबाद पुलिस ने बापू की पत्नी और उनकी बेटी से पूछताछ की। 1 नवंबर 2013 आसाराम बापू ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उन्हें बच्चों का खून पीने वाले ड्रैकुला के रूप में पेश किया जा रहा है। 6 नवंबर 2013 बापू के खिलाफ नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोप में चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट में यौन हमला, दुष्कर्म, गैर कानूनी रूप से बंधक बनाना और आपराधिक हमला करने के आरोप लगाए गए। 3 जुलाई 2014 सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ गुजरात के सूरत में दर्ज बलात्कार के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। 19 अगस्त 2014 सुप्रीम कोर्ट ने बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर जोधपुर मामले में बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ। न्यायालय ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। 23 सितंबर 2014 तक रिपोर्ट मांगी गई। जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को डॉक्टरों का दल गठित करने का निर्देश दिया गया। इस दल में डेंटिस्ट और न्यूरोसर्जन भी होंगे। लेकिन वास्तव में जब ये रिपोर्ट आएगी या कब आएगी या वो दल गठित होगा या उसका आगे क्या होगा, भक्तों तक कोई बात नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो आसाराम बापू जी के फेवर में जाने वाली बात है वो मीडिया दिखाता नहीं, और बड़ा चढ़ाकर जिनको निगेटिव बातें बनाया जा सकता है ऐसे मुद्दों को उछाला जाता है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं डिंपल बोल रही हूँ दुबई से। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो बापू जी पर 376 एक्ट लगा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो 12 साल की लड़की पे लगा जाता है, और बापू पे जो पॉस्को लगा है लड़की की एज के सारे प्रूफ है, फिर क्यों कोर्ट इसको मान्यता नहीं दे रहा है। दूसरा एक्शन 370 ये भी गलत लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि बापू के आश्रम में लोगों को स्लेव्स बना के रखा जाता है। आज मिनिस्टर्स तक बापू के पास जाते हैं, उनको पता है कि बापू जी क्या है, तो क्यों बापू जी के साथ इतना अन्याय हो रहा है, क्यों उनको बेल नहीं दी जा रही है। आज वो सीनियर सिटीजन है, उनकी एज देखनी चाहिए, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उनको हक नहीं है बेल मिलने का। आज स्टेज पर जो प्रूफ क्रिमिनल है वो बाहर घूम रहा है, हमारे निर्दोष बापू जी को क्यों बेल नहीं मिल रही है। धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
बिंदास बोल चाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आसाराम बापू जी, जिनके 6 करोड़ से ज्यादा भक्त है, ऐसे एक संत जिनकी आयु 75 वर्ष है और उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगाकर उनको 1 साल तक जेल में रखा है, जिसकी मैक्सिमम सजा भी अगर होती है तो 3 साल है। ये कहां का न्याय है? और ये अन्याय नहीं तो क्या है? कॉलर जय हिंद। मैं, मेरा नाम है कुमकुम सोनी, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। बापू जी निर्दोष है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। आप लोगों को उनके झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया है, जैसे करोड़ों भक्तों की श्रद्धा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उनको जेल में बंद करके, और अभी तक रिहा हो जाना चाहिए। कितना उनको सता रहे हैं जेल में, हम लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि बापू जी हमारे भगवान है, तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। कितने लोगों को अभी तक जेल से बाहर कर दिया है, रिहा हो गए, तरुण तेजपाल रिहा हो गए हैं। और बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जहन बोला इंदौर से सर। 31 अगस्त को बापू जी को पिछले साल जो दरभंग जेल में डाला गया, बड़ी क्रूरता पूर्वक हम उसके साक्षी है। ये पास को जो कानून बना हुआ है, ये संत आसाराम बापू को फंसाने के लिए बना हुआ है। 1 साल से भक्त इंतजार कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को देख रहे हैं। फिर हम चेतावनी देते हैं शाही सरकार को कि उग्र आंदोलन होगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, बहने हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, हाथ में तख्ती बांध कर प्रभात फेरियां निकाल रही है, घर घर जाके अपनी बापू जी की निर्दोषता साबित कर रही है। कोई कानून की आंखों को नहीं देख रहा है। जोधपुर के अंदर कुछ पैसे से बिके हुए वकील हड़ताल कर बैठे हुए हैं, लड़की और उनके माँ बाप के बयान नहीं होने दे रहे हैं। क्या ये देश के ये सपूत हैं? ये कानून की रक्षा करने वाले हैं या न्याय दिलाने वाले हैं? हम बार बार चेतावनी देते हैं और सारे देशवासियों के साधकों को आह्वान करते हैं कि आप लोग इन सरकारों को, हम लोग कानून को भी हम लोग हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमारे बापू निर्दोष है, 75 साल की आयु है। धन्यवाद। हम कहेंगे कि अलग अलग तर्क बताए जाए, क्योंकि बापू के समर्थन में इतने सारे तर्क है कि एक ही तर्क को बार बार लोगों ने रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगले कॉलर जय हिंद बोलिए। चौहान जी नमस्कार, मैं राजू भाई दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बापू जी को सोनिया और राहुल ने जो षड्यंत्र करके जेल भेजा, जिसके कारण उसकी पूरी सरकार ही खत्म हो गई और उसके सपने साफ हो गए। अब और कौन सी सरकार अपना सपने साफ करवाना चाहती है? जो करवाना चाहती है वो करवाए, अब नहीं तो बापू को जल्दी से जल्दी मुक्त करे, बाहर लाए जेल से बाहर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं महेश गजमोती बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ कानून के जो उनका दुरुपयोग किया जाता है, जैसे दहेज उत्पीड़न का मामला था, अगर कोई भी इंसान कुछ होता है तो उसमें सास भी ननद भी सभी आ जाते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। इसमें आंकड़े ने कहा गए हैं कि जो लोग इसमें दोषी नहीं है वो भी इसमें इतने इतने सजाएं काट चुके हैं जो कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसी प्रकार से ये जो पॉस्को जो दुरुपयोग किया जा रहा है एक संत के ऊपर, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को जो सही रास्ते पिनवाया है, सिर्फ एक लड़की के कहने पर, जो कि मेडिकल में कोई FIR नहीं, जोधपुर के जो DCP कह चुके हैं FIR में, मेडिकल में कोई रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है, उसके बावजूद एक संत को जो कितना जो है प्रचारित किया जा रहा है। अब देखो मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, 2-4 लालू प्रसाद को बेल मिल जाती है जो कि वो हमने बताया है। मैं फिर दर्शकों को कहता हूँ कि बापू के समर्थन में बहुत तर्क है, एक ही तर्क को रिपीट ना करें। अगले कॉलर जहीन सर बोलिए। जहीन सर बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं मोहाली से नरेश चौहान बोल रहा हूँ। बोलिए चौहान जी। हाँ सर, हमारे बापू जी बिल्कुल निर्दोष है और जल्दी जल्दी बाहर आ जाने चाहिए, वरना बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा और ये आंदोलन बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। हम बहुत गुस्से में, बहुत नाराज हैं।
चलिए धन्यवाद। कुछ आज आज के आंदोलन के दौरान काफी भगिनियों ने अपनी बात को रखा, काफी भक्तों ने अपनी बात को रखा, उनको भी जरा दिखाते हैं। एक बात कहना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि अभी तक सरकार हमारी नहीं सुन रही, एक साल हो गया ना नहीं सुना, पूरे साल से हम चुप बैठे हैं ना, अभी हमारा गुस्सा बाहर निकलेगा। मैं भी बाबूजी का साथ हूँ पिछले 14-15 साल से, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफा कार्रवाई हुआ। बापूजी के खिलाफ जो उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ, बापूजी के ऊपर कोई भी निर्दोष दोष का सबूत नहीं आया, फिर भी ये लोग बापूजी के अंदर कर रहे हैं। हम जंतर मंतर पे अपने हर जगह पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। हमारी ये मांग है कि अगर एक लड़की के एलिगेशंस लगाने पर आप बापूजी को अंदर करते हैं, एक साल से अंदर हैं वो, एक साल से उनके कोई आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। महिला जनसलाब ऑल ओवर इंडिया अगर आ रहा है और वो कोई पुकार कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। आप देख रहे हैं कि कैसी भीड़ है और इतनी बारिश के बावजूद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली की आज की सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त बारिश के बावजूद भी आज इतनी बड़ी संख्या में खास करके महिलाओं ने अपनी बात को भारत के सामने रखा। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलता हूँ आप ये पूरे केस के प्रकरण को देखिए तो सर इससे सीधा सीधा साबित होता है कि ये केस एक फ्रॉड केस है। अभी देखिए वो लड़की जो थी वो शाहजहांपुर की रहने वाली थी, छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, और ये घटना जो है ये जोधपुर की है, लेकिन वो दिल्ली के सबसे गंदे इलाके कमला मार्केट जो सबसे बदनाम एरिया है वहाँ पे वो भी रात को 2 बजे केस लिखवाती है। और आपको मैं बता दूं कि जोधपुर से जहाँ पे इस घटना हुई है वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन तक उस बीच में 5-5 पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन उस लड़की ने उस बीच में कहीं पे भी केस नहीं लिखवाया, जाके उसने वो भी रात को 2 बजे कमला मार्केट में 5 दिन के बाद केस लिखवाया है। तो सर ये सब बात जो है विचारणीय बात है और इससे साबित होता है कि बापू जी को किसी न किसी प्रकार से भारी षड्यंत्र में फंसाया गया है। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। जी सुरेश जी, मैं विपिन तिवारी बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ। मुझे आपको ये बताना था कि सिर्फ बापू जी के लिए नहीं और सिंधु संतों के लिए, हम बीजेपी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सही न्याय व्यवस्था हो, जो जो जज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी का फेवर ना करने वाले लोग हो, तो सारे संतों को न्याय पूरी तरह से मिल जाएगा। बीजेपी अगर सिर्फ इतना कर दे कि जो न्याय प्रणाली में है वो सही लोग बैठ जाए तो बापू जी को और हम सब और संतों को भी न्याय सबको हो जाएगा और बीजेपी की जय और होगी। धन्यवाद। इसमें राज्य सरकार ने करने वाले जो काम है, खास करके मेडिकल बोर्ड का गठन जल्दी करना और लड़की के उम्र के बारे में जो सरकार को अपना पक्ष रखना है उस विषय को तो गति दी जा सकती है, इसमें कोई न्यायिक हस्तक्षेप की बात नहीं है, बल्कि यह सरकार के काम को गति देने का विषय है और खास करके तब जब बात एक साल से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अगले कॉलर, जय हिंद। सर राम राम सर, सुरेश जी बोलिए। हाँ जी सर, राम राम सर। हाँ हाँ सर, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ सर, सिर्फ हमारे आर्य समाज के जितने भी हमारे हिंदू जो हमारे साधु संत हैं इन्हीं के ऊपर ब्लेम क्यों झूठा लगाया जाता है? सर इनके इनके ऊपर हमारा झूठा ब्लेम लगाकर और किसी मजहब के किसी साधु संत या धर्मगुरु के ऊपर अगर आप जरा से भी छेड़खानी कर दे तो पूरा उनकी कौम इकट्ठी हो जाती है, हमारी कौम क्यों नहीं खड़ी होती है? धन्यवाद। ये खड़ा ना होने का ही तो कारण है कि ये तमाम सारी चीजें झेल रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद बोलिए। हेलो, जय हिंद सुरेश जी। हाँ मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। मेरा कहना यह है कि हमारे कानून में एक तो जो है बलात्कार की परिभाषा ही क्लियर नहीं है कि बलात्कार होने के कितने दिन बाद पता चलता है, वर्षों बाद या महीनों बाद, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर ये सारे केस असराम पर झूठे निकलते हैं तो क्या कानून जो है उस लड़की को भी जो है सजा देगा जिसके कारण उसकी मान हानि हुई है पूरी दुनिया में? ये चीज सोचनी चाहिए और उससे भी उतना ही जो है कार्यवाही करनी चाहिए जितनी मान हानि में उसकी हुई है अगर झूठे निकलते हैं।
बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये बिल्कुल एक ऐसा तर्क है कि आप न्याय की जब बात करते हैं तो कहीं आप न्याय के लिए दूसरे के ऊपर अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे स्कॉलर ने कहा वैसे, अगर ये सारा मामला जो कि सारे लोगों का, बापूजी के भक्तों का भी ये मानना है या न्यायिक एक्सपर्ट है उनका भी ये मानना है कि ये सब कुछ फर्जी निकल जाएगा, अगर ऐसा होता है तो बापूजी के इस एक साल को, 6 करोड़ लोगों के भावनाओं को, हिंदू धर्म के इमेज को, ये सब कुछ जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, मैं आशीष कुमार कुंदन मोतिहारी बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि जब लव जिहाद की फंडिंग बाहर से इतनी मोटी फंडिंग हो रही है, तो लव जिहाद को जो रोकने वाले आसाराम बापू जैसे जो संत हैं, उनको जेल में, लव जिहाद के शुरू होने से पहले जेल में क्यों नहीं डाला जाए? इसके लिए मोटी फंडिंग हुई है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मेरा यही कहना है बस। धन्यवाद, थैंक यू। आसाराम बापू जी का इस एक पहलू, ये मेरे से भी भूल रहा था लेकिन एक कॉलर ने याद दिलवाया है। आसाराम बापू जी के भक्तों की विशेषताएं क्या है, उसमें एक ऐसी विशेषता है जिसके ऊपर मीडिया ने कुछ साल पहले, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ये नासिक की घटना है और महाराष्ट्र में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई थी कि बापू जी जो संयम और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, इसका युवाओं पर इतना असर पड़ता है कि कई लोग अपना घर छोड़कर बापूजी के इस कार्य में लग गए। तो ऐसे किसी परिवार के जो बच्चा, बेटा बापूजी का भक्त बन गया था और उसने संन्यास लेने का निर्णय किया था, तब उसके परिवार ने बापूजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात सामने आई थी और वो घटना भी तब देश में गूंजी थी, लोगों तक पहुंची थी। इसका मतलब यह है कि बापूजी जो संयम की बात करते हैं, बापूजी जो सदाचार की बात करते हैं, बापूजी जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं, लव जिहाद का विरोध करते हैं, ऐसे युवाओं को अपने चरित्र निर्माण की बात बताने वाले व्यक्ति पर ही जब आरोप लगेगा तो केवल ना वो व्यक्ति बल्कि वो तमाम विचारधारा सवालों के घेरे में खड़ी होगी, ऐसा प्रयास इस पूरे घटना के पीछे साफ दिखाई देता है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं आपके सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आसाराम जी बापू को पिछले एक साल से जो अरेस्ट किया है, वो जो उनके ऊपर केसेस लगाए हैं, बिल्कुल बोगस है। एक भी केस उन पे साबित नहीं हुआ है। उनकी 75 साल की उम्र और उनके मेडिकल ग्राउंड्स देखकर उनको बेल तक नहीं दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस और कानून का उनके प्रति जो रवैया रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 40 सालों से हमारी संस्कृति और देश की सेवा के लिए उन्होंने जो सेवा की है, उसके लिए वो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और उसका कोई कदर नहीं है हमारे देशवासियों को, और हमारी सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे महापुरुष, धन्यवाद। ये एक ऐसा पहलू जिसके ऊपर, हिंदू संतों के ऊपर हमेशा ही अन्याय होता रहा। उन्होंने जब बहुत बड़े बड़े काम किए तो ये नहीं कहा गया कि ये काम अच्छा हुआ, ये विश्व शांति के लिए हुआ, ये समाज के कल्याण के लिए हुआ। उनको ना कोई उपाधि दी जाती है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्पर्धा में वो अपने आप को कभी खड़ा करते हैं, ना उनके भक्त भी ऐसा करने का प्रयास करते। तब समाज कहता ये तो इनका काम है और इन्होंने संन्यास लिया है, धर्म का काम कर रहे, तो इन्होंने तो अच्छा ही करना है। लेकिन जब उनके ऊपर कभी कोई आरोप छोटा सा लग जाता है तो उस आरोप की भी कितनी हवाई बनाई जाती है। इस देश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, बापू तो छोड़िए राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कोई ऐसा जिला या तहसील हो जहां पर हिंदू संतों को बदनाम करने की राजनीतिक या धार्मिक कोशिशें जारी नहीं हो। हर जगह ऐसा होता है। ये इसका कारण है कि हम इस विषय को सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से ना देखते हैं ना रखते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। मैं पीसीएस ऑफिसर हूँ और इलाहाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बापूजी के बारे में जो मैं दो पहलुओं पे बात करना चाहूंगा, एक स्पिरिचुअल हाँ। और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी, और दूसरी जो उनके वहां पर जो बोगस आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर क्या चीजें बनती हैं। नंबर एक आध्यात्मिक पहलू ये है कि बापूजी के पाद तल पर कहीं अगर पड़ जाए
तो उस पर अगर कोई बैठ जाए तो उसकी वासना का प्रेशर कम हो जाता है। उनकी निगाहों में ये पावर है कि जो जिसको देख लेते हैं उसकी वासना का प्रेशर कम हो जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं उनके संपर्क में आज के 20 साल पहले आया हूँ, और 20 साल के पहले उन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य की व्रत का उन्होंने अपने सिर पे रख करके और जल छाटा और ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी, और मैं आज 20 साल में हो गया है मेरे को, मैं अपने पत्नी के सपत्नी साथ में रहता हूँ और आज तक मेरा ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ है। ऐसे बापू जिनके निगाहों से इनकी दृष्टि मात्र पड़ने से लोगों का ब्रह्मचर्य सफल हो जाता है, लोगों की इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, ऐसे बापू को इस तरह के बोगस आरोप लगाने से स्वतः ही प्रथम दृष्टया प्रायमात हेतु ही सिद्ध हो रहा है कि उन पर ये आरोप बोगस लगाए गए हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो आरोप लगाए गए हैं कि वो संत आश्रम वहां आश्रम में जाकर के ऐसी चीज हुई, मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने आरोप लगाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कोई गलत काम ये करने जाएगा तो कोई किसी इस तरह का गलत काम करने के लिए कोई एक जगह चुनेगा क्या? वो ये गलत काम करने के लिए किसी दूसरे के घर को चयन करेगा, और उस दूसरे के घर के चयन करने के बाद क्या वो किसी के उसके सगे संबंधियों को बुलाएगा, उसके माता को बुलाएगा, उसके पिता को बुलाएगा और उसको अपनी छाती पे बैठाएगा और उसके बाद उस लड़की को बुलाएगा? ये उनको नजर क्यों नहीं आती है? ये प्राइमा फेसी से ही सिद्ध हो रहा है कि इसमें साजिश है और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां लगी हुई हैं जो बापू के धर्मांतरण विरोध और इन चीजों से वो डरी हुई थी, जो अपनी उसको खरीदना चाहते थे वो सब लगी हुई हैं, उसका सीधे ये चीजें प्रकट की जा रही हैं। इसको आप अपने चैनल पे लाइए और अपने चैनल पे लाइए उनको बताइए, जरा परिणाम देख लेते हैं कि ऐसी चीजें होती है तो क्या परिणाम होता है। देखिए, बापू के भक्तों में रोष, आसाराम बापू को एक साल से बेल न मिलने से उनके भक्तों में भारी रोष है। देश दुनिया में बापू के करोड़ों भक्त भारी गुस्से में, नई दिल्ली में भारी बारिश के बीच भी हजारों भक्तों का विरोध प्रदर्शन बताता है कि उनमें कितना गुस्सा है। साजिश की आशंका गहराई, रेप के मामले में तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को जमानत मिल गई, बड़े बड़े घोटालों के आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बापू को जमानत नहीं मिल पाई। उनके समर्थकों को लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश के तार इतने गहरे बुने गए हैं जिससे कोर्ट भी सही स्थिति नहीं समझ पा रहा है। हिंदू धर्म की हानि, आसाराम बापू हिंदू धर्म के बड़े संत हैं, पूरी दुनिया में उनको हिंदू धर्म का प्रतिनिधि संत माना जाता है। उनके इतने लंबे समय तक जेल में रहने से हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनके समर्थकों का तर्क है कि तमाम केस दर्ज होने के बावजूद मुस्लिम धर्म गुरु इमाम बुखारी की आज तक गिरफ्तार करने की हिम्मत कोई सरकार नहीं जुटा पाई। कानून व्यवस्था का संकट, कहते हैं अगर समय पर इंसाफ न मिले तो उसे इंसाफ नहीं कहते। बापू के समर्थकों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन बापू के करोड़ों भक्तों की नाराजगी कानून व्यवस्था का संकट खड़ा कर सकती है। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, मैं महेश कुमार बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ सर, आप मीडिया का दोगलापन तो अभी आज सिर्फ आज भी देख रहे हो ना। आप आज जितना भी वहाँ पे पालन स्ट्रीट पे और जो राजघाट पे हुआ, आप सुदर्शन चैनल के अलावा किसी भी चैनल ने, मैं पूरे दिन से देख रहा हूँ चैनल चेंज करके, एक भी चैनल ने अपने हाईलाइट में भी नहीं दिखाया है। लाइव तो दिखाना दूर की बात है, इससे पता चलता है और कहीं भी 10 आदमी खड़े होते हैं और फिर मीडिया वहां पहुंच जाता है, लेकिन आज इतना बड़ा प्रोग्राम वहां हुआ है, इतनी बड़ी रैली निकली है, किसी भी मीडिया ने, एक सुदर्शन चैनल के अलावा किसी भी मीडिया ने इसको नहीं दिखाया है। दूसरा, आप, मैं बोलना चाहूंगा जी कि आपने इतना सब कुछ दिखाया है, बहुत अच्छा सुदर्शन चैनल ने बहुत कुछ आज तक दिखाया है, लेकिन इसके ऊपर आपको डिबेट भी करना चाहिए, जैसे कि और चैनल ने डिबेट करके कुप्रचार किया, आप सुप्रचार के लिए इसे डिबेट कराना चाहिए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट, हम सत्य रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और उसके लिए आज हमारी पूरी टीम बारिश में, जैसे आपके भक्त थे वैसे सुदर्शन की टीम भी इस आज के पूरे बारिश में अपना कैमरा भीगने के बावजूद भी उस पूरे कार्यक्रम में अपना सत्य क्या है, आपका पक्ष क्या है, ये रखने के लिए वहां गई थी, और उसने क्या काम किया है आपके सामने आपने आज दिन भर देखा है। जो मीडिया वहां पर नहीं पहुंचा उनको भी आप फोन करके जरूर पूछिए, जैसे आप बिंदास में कॉल करें वैसे उनके कार्यालय में भी कॉल करिए, और जो वहां पहुंचा फिर भी खबर नहीं लगाई उसको भी कारण पूछिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अगले कॉलर, जय हिंद। सैनी बोल रही हूँ मुंबई से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स ने उस लड़की की जो बर्थ डेट है वो स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग है, LIC में अलग है,
तो ऐसे लोगों के ऊपर फ्रॉड की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। बोले सर, मैं भुसावल महाराष्ट्र की सुभाष भाई बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये जो बीजेपी सरकार को कांग्रेस ने जो बापू अटक किया था, तो बीजेपी के ऊपर भरोसा करके लोगों ने बीजेपी को चुन के दिया। चलिए, मुद्दा हो चुका है, हम कहेंगे नए नए मुद्दे कम समय में, बहुत कम समय बचा है। अगले कॉलर जय हिंद। जी हेलो, बोलिए। हेलो जय हिंद। हाँ हाँ जय हिंद। सुरेश चव्हाण के जी नमस्ते, मैं रोहन देसाई बोल रहा हूँ महाराष्ट्र थाने से। हाँ, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वाले जो खुलेआम भारत में धर्मांतरण का कार्य करते हैं और हमारे भोले भाले आदिवासी लोगों के इलाकों में जाकर जो धर्मांतरण करते हैं, उनके लिए तो कोई ये मीडिया वाले दिखाते नहीं गलत। और ये जो बापूजी हमारे जो गरीब लोगों के आदिवासी एरिया में जाके उनके लिए वहाँ पे जो आश्रम बनाते हैं और भजन भोजन और उसी के साथ शाम को उनको दक्षिणा भी लेके जाने की जो सुविधा करते हैं, ऐसे संतों के लिए, ऐसे महान संतों के लिए ये भले एक पार्टी नहीं, ये सारी कुछ राजनेता मिलकर और भारतीय कुछ एनजीओ मिलकर और जो ये रोम से इटली से इन्हें जो पैसे आते हैं, ये पैसों से ये संतों को बदनाम करते हैं, कुछ मीडिया चैनल्स को ये खरीद लेते हैं। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए सुरेश जी, मुझे आपसे ये कहना था, सबसे पहले तो आपको हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना उत्तम कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये कहना था कि अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा में काफी सारे देश भर से साधक लोग जोधपुर जेल में गए थे बापू के दर्शन के लिए। कई माताएं बहनें भी थी, लेकिन उन पर इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया जबकि वो लोग शांति से खड़े थे बस अपने बापू के दर्शन के लिए, तो मीडिया में वो क्यों नहीं दिखाया गया? बिल्कुल, धन्यवाद। जरा उपाय देख लेते हैं। बापू को इंसाफ मिले, आसाराम बापू के मामले की जांच में कई गड़बड़ियां हुई हैं। मीडिया के दबाव में साजिश रचने वाले लोगों की पूरी तरह पड़ताल नहीं की जा सकी, जिसके कारण कोर्ट को भी इंसाफ करने में दिक्कत आ रही है। इसके लिए बुजुर्ग बापू को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना जरूरी है। समर्थक लगातार इंसाफ मांगे, पूरी दुनिया में फैले आसाराम बापू के समर्थक वैसे तो लगातार इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर अपनी बात रखना जरूरी है। आखिरकार इंसाफ मांगने में कोई बुराई नहीं है। मीडिया ट्रायल बंद हो, आसाराम बापू के खिलाफ मीडिया के एक हिस्से में अनाप शनाप आरोप चल रहे हैं। बापू के खिलाफ साजिश रचने वालों ने विज्ञापन आदि में पैसा खर्च करके ऐसे मीडिया हाउसों को एक तरह से खरीद लिया है, लेकिन उनको कोई हक नहीं बनता कि राष्ट्र के इतने बड़े संत का अपमानजनक मीडिया ट्रायल किया जाए। आरोप लगाने वालों को सद्बुद्धि आए, बापू के खिलाफ झूठा आरोप लगाने वाली लड़कियां किसके दबाव में हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके समर्थक यही दुआ कर सकते हैं कि इन लड़कियों को सद्बुद्धि आए और वो पाप में भागीदार बनने से बचें। ये बिल्कुल आप जो बातें हम तक पहुंचाते हैं, ये हम आपके ही बातों को विदाउट एडिट लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने जो कारण परिणाम और उपाय बताए वो हमने ज्यादातर लोगों ने बताए हुए बातों को आपके सामने रखा है। सुदर्शन का हमेशा प्रयास ही रहा है कि भारत को भारत बनाए रखे और इस देश के मूल निवासियों को न्याय मिले, इसके लिए जो भी करना संभव हो हम हमेशा करते हैं। आसाराम बापू जी के मैटर में तो चैनल पर इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने इस बात को बताया था तो 2007 में मैंने चैनल पर इस बात को कहा था। बापू जी को तो मैंने 2006 में कहा था जब ये चैनल भी शुरू नहीं किया था कि आपके खिलाफ ये सब कुछ होने वाला है। और ये जो एफआईआर हुआ है इसके करीब 24 से 48 घंटे पहले रामलीला मैदान पर हुए कार्यक्रम में भी मैंने बापू को इससे अवगत कराया था। इसका कारण यह है कि हम तक ये सारी जानकारियां इसलिए भी आती है क्योंकि धर्मों का रक्षण करने के काम के साथ भी हम एक और काम करते हैं कि देश का नुकसान करने वालों की गतिविधियां क्या चल रही है इस पर ध्यान रखते हैं। आपके पास भी दो आंखें हैं, दो हाथ है, ये शरीर है और इस राष्ट्र में जन्मे हुए आप लोगों को इस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों को और धर्म के प्रति कुछ कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे में आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही है जो धर्म की और देश की नुकसान करती है तो वो भी आप हम तक पहुंचाइए।
बापूजी जेल में है, लेकिन आपको सत्कार्य करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद, विचार और सब कुछ हमेशा दिया है। अब उनको बाहर लाने के लिए जो आंदोलन आपकी तरफ से चल रहा है, इस आंदोलन को देखते हुए और सच्चे न्याय को देखते हुए राज्य सरकार ने, न्यायपालिका ने जो काम करने हैं वो सही समय पर उचित तरीके से किया जाए, यही हम चाहेंगे। आज के लिए इतना है, जय हिंद।